जा रहा है बेसन की बर्फी, बहुत आसान तरीके से, ना चाशनी की जरूरत पड़ेगी उसमें, ना किसी तरह का कोई भी झंझट। उसके लिए मैंने लिया एक पैन, इसमें मैं डाल दूंगी एक कटोरी घी। आप सोच रहे हैं एक कटोरी, पर मैं इस कटोरी से डालें फिर मैं नाप आपको बता दूंगी। तो ये मैंने लिया देसी घी, और अब मैं इसमें डालूंगी डेढ़ कटोरी बेसन। मतलब मैंने आधा कटोरी, मतलब वो एक छोटी कटोरी थी इसका आधा है वो, उतना मैंने लिया है घी, और उसके डेढ़ गुना लिया है मैंने बेसन एक कटोरी, और ये आधा कटोरी और लिया है। और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है, और लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है बेसन को इस तरह से। अभी शुरू में हो सकता है थोड़ा सा सूखा सूखा लगे, भूनने में थोड़ा सा लगे हमें कि भाई दिक्कत हो रही है, पर जैसे जैसे हम भूनेंगे, और इसमें थोड़ा सा दानेदार लाने के लिए मैं इसमें डालूंगी लगभग 3 चम्मच सूजी। ये ऑप्शनल है, आपका मन है तो डालें। अगर आपको थोड़ा दानेदार चाहिए बर्फी तो आप ज़रूर डालें, अब अगर आपको नहीं चाहिए तो ना भी डालें। और अब हम इसे लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें कलर ना आ जाए, और दूसरा खूब अच्छी सी खुशबू ना आ जाए, जिससे जब हम भूनते हैं ना बेसन पूरा घर महक जाता है हमारा, तो इसलिए इस तरह से दबाते हुए हम अच्छे से इसे भून लेते हैं। बेसन जितनी हल्की आंच में भुनेगा ना, उतना ही हमारा कोई भी मीठा बनाने में टेस्ट अच्छा आता है। अगर जितना हम तेज आंच करेंगे, उस बेसन भून तो जल्दी आता है पर उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, और जब हम मुंह में खाते हैं ना तो वो बेसन हमारा चिपकता है। तो इसी तरह से मैं लो फ्लेम पर दबाते हुए इसे भून लेती हूँ अच्छे से। अब ये देखिए हमें लगभग 5 मिनट हो गए हैं इसे भूनते हुए, और इसमें ये देखिए सॉफ्ट होने लगा है, तो बिल्कुल परफेक्ट नाप थी। मतलब डेढ़ कटोरी मैंने बेसन लिया है, उसमें आधा कटोरी घी डाला है, और 3 चम्मच सूजी, तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट नाप है। इस अगर इस नाप से बनाएंगे तो बिल्कुल सही बन के तैयार होगी, और कितना आप देखिए सॉफ्ट भी हो गया, भूनने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इसी तरह से हम भून लेते हैं इसे। ऐसे भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि बेसन भूनने में हल्के आँच पे भूनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं इसी तरह से भून लेती हूँ। अब ये देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन गया है, पूरे घर में ना इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, आधा चम्मच के करीब, जिससे कि इसका अच्छा फ्लेवर आए। और अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी, मतलब बूरा, जिस कटोरी से मैंने नाप के एक कटोरी मतलब डेढ़ कटोरी वो लिया था बेसन, उसी से एक कटोरी मैं डालूंगी इसमें बूरा। और अब हम इसे लो फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा पैन अच्छे से छोड़ नहीं देता। ये इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें चाशनी नहीं बनाई है। इस तरह से बनाते हैं बहुत अच्छे बनके तैयार होती है। अब मैं इसी तरह से मिक्स कर लेती हूँ इसे पूरा। अब ये देखिए अच्छे से हमारी ये इस तरह से तैयार हो गया है, और अच्छे से पैन भी छोड़ने लगा है, चिपक भी नहीं रहा है। अब हम इसे एक बर्तन में कर लेते हैं जिसमें हमें जमाना है ये। अब मैंने ले लिया एक बर्तन, और उसमें लगा लिया है थोड़ा सा घी, जिससे कि नीचे चिपके ना, और इसे पूरे को मैं इसमें डाल देती हूँ। देखिए इस तरह से हो गई है। और अब हम इसके लिए थोड़ा से इसको गार्निश करने के लिए मैं काट लेती हूँ थोड़े से पिस्ता। अब ये देखिए मैंने इसमें थोड़े से ये पिस्ता काट लिए हैं बारीक करके। अब हम इनको इसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे कि ये इसके साथ ही थोड़ा सेट हो जाए, और देखने में बहुत अच्छी लगे जैसे हम मार्केट से लाते हैं। और अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। अब ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है हमारा। अब हम इसे कट कर लेते हैं, इसमें इस तरह से कट कर लूंगी मैं। कट आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, छोटे बड़े या आप जिस भी शेप में चाहें। अब ये देखिए कितने अच्छे पीस निकल के तैयार हुआ है बिल्कुल, और अच्छे से जम भी गया हमारा। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अब हमारी बेसन की बर्फी बनके तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान बनके तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।